You're watching Exposed India. नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों को ही मशीनों और वाहनों से बेहद प्यार था। विमान उड़ाना दोनों को पसंद था, लेकिन राजीव नियमों का पालन करते थे और वहीं संजय विमान को कार की तरह चलाया करते थे। तेज हवा में कलाबाजियां खाना उनका शौक हुआ करता था। 1976 में उन्हें हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिल गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही जनता सरकार ने उनका लाइसेंस छीन लिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी की आती जाती सरकार के साथ ही उनका लाइसेंस भी वापस आ गया। 1977 से इंदिरा परिवार के नजदीकी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक ऐसा टू सीटर विमान पिट्स एंड 2A आयात करवाना चाह रहे थे, जिसे खास तौर पर हवा में कलाबाजियां करने के लिए बनाया गया था। 1980 में कस्टम विभाग ने उसे भारत लाने की मंजूरी दे दी। बेहद जल्दबाजी में आए इस विमान को असेंबल कर सफदरजंग हवाई अड्डे स्थित दिल्ली फ्लाइंग क्लब लाया गया। विमान के आते ही संजय गांधी उड़ाने के लिए उसे निकल पड़े। संजय ने पहली बार 21 जून 1980 को नए पिट्स पर अपना हाथ आजमाया था। दूसरे दिन यानी 22 जून को अपनी पत्नी मेनका गांधी, इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लेकर उन्होंने उड़ान भरी और 40 मिनट तक दिल्ली के आसमान पर विमान उड़ाते रहे। अगले दिन यानी 23 जून को माधवराव सिंधिया उनके साथ पिट्स की उड़ान भरने वाले थे, लेकिन संजय गांधी सिंधिया के बजाय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर जा पहुंचे। उन्होंने कैप्टन सक्सेना से कहा कि वह उनके साथ फ्लाइंग पर चलें। संजय अपनी कार पार्क करने चले गए और सुभाष अपने एक सहायक के साथ फ्लाइंग क्लब के मुख्य भवन में पहुंचे। एकाएक कैप्टन सक्सेना का चपरासी आया और बोला, संजय गांधी विमान में बैठ चुके हैं और उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। कैप्टन सक्सेना ने अपने सहायक को यह कहकर घर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में वापस लौट आएंगे। कैप्टन सक्सेना पिट्स के अगले हिस्से में बैठे और संजय गांधी ने पिछले हिस्से में बैठकर कंट्रोल संभाला। ठीक 7:58 पर उन्होंने टेक ऑफ किया। संजय ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए रिहायशी इलाके के ऊपर ही 3 लूप लगाए। वो चौथी लूप लगाने ही वाले थे कि कैप्टन सक्सेना के सहायक ने नीचे से देखा कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। पिट्स तेजी से मुड़ा और नाक के बल जमीन से जा टकराया। कंट्रोल टावर में बैठे विमान को देख रहे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि पिट्स अशोका होटल के पीछे एकदम से गुमसा हो गया। सक्सेना के सहायक ने भी तेजी से विमान को नीचे गिरते हुए देखा। उसने अपनी साइकिल पकड़ी और पागलों की तरह चलाता हुआ सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा। बिल्कुल नया पिट्स 2-सीटर मुड़ी हुई धात में बदल चुका था। उसमें से गहरा काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं लगी थी। सक्सेना के सहायक ने देखा कि संजय गांधी का शव विमान के मलबे से 4 फीट की दूरी पर पड़ा था। कैप्टन सक्सेना के शरीर का निचला हिस्सा विमान के मलबे में दबा हुआ था, लेकिन सिर बाहर निकला हुआ था। बिखरे हुए बालों में इंदिरा गांधी बाहर निकली और धवन के साथ एम्बेसडर कार में घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। उनके पीछे बीपी सिंह भी वहां पहुंचे। इंदिरा गांधी के पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड ने विमान के मलबे से दोनों शव निकाल लिए थे और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। संजय अब इस दुनिया को अलविदा कह चले थे। ये वो पल था जब भारत की राजनीति का उत्तराधिकारी अलविदा कह चला गया था। बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ।